आर के नारायण की कहानी का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है आश्रय। अचानक बरसात शुरू हो गई। उसे जो अकेली सुरक्षा प्राप्त हो सकती थी वह था सड़क के किनारे खड़ा विशाल तने और ऊपर फैले शाखाओं वाला बरगद का पेड़। वह निरपेक्ष भाव से नीचे गिरते पानी को देखता रहा, जिसका झोंका कभी कभी उसकी तरफ आ जाता था। वह एक पिल्ले को जिसका शरीर एकदम भीग गया था और दो बैलों को जो सड़क के किनारे पड़े केले के पत्ते खा रहे थे चुपचाप देखता रहा। अचानक उसे यह महसूस हुआ कि पेड़ की अगली टेढ़ी हुई डाल के नीचे एक आदमी और खड़ा है। फूलों की हल्की सी सुगंध उसकी तरफ आई तो वह अपनी उत्सुकता नहीं दबा सका और वह धीरे धीरे उसका सरक कर जहाँ वह खड़ी थी उधर सरक गया। एकदम उसी के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी पहली प्रतिक्रिया ओह करने की हुई, पर वह यह न कर सका और चौंक सा गया। स्त्री उसे देखकर घबरा गई और चीखने चीखने को हो उठी। वह शांत हुआ तो बोला, आप डरिए नहीं, मैं चला जाता हूँ। लंबी जुदाई के बाद अपनी पत्नी से मिलने पर यह प्रतिक्रिया मूर्खता की थी। वह वापस अपनी जगह चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह लौटा और पूछने लगा, तुम यहाँ कैसे? उसे लगता था कि अब जवाब नहीं देगी, लेकिन जवाब आया बरसात के कारण। अच्छा, वह मजाक के तौर पर बोला और उसे खुश करने के लिए हंसा। फिर बोला, मैं भी इसी कारण यहाँ आया, और जवाब की मूर्खता महसूस की। स्त्री चुप रही। मौसम की बात चाहे की जा सकती है, इसी का सहारा लेकर वह आगे बोला, अचानक होने लगी है बारिश। स्त्री ने उसकी उपेक्षा की और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने विषय को आगे घसीटने की कोशिश की और कहा, अगर मुझे जरा भी अंदेशा होता तो मैं या तो घर में ही रहता या छाता लेकर निकलता। उसने इस वक्तव्य पर भी ध्यान नहीं दिया। यह लगा जैसे एकदम बहरी हो। वह पूछना चाहता था, क्या कानों में कुछ हो गया है, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उसे लगा कि वह चिढ़ जाएगी। परेशानी की अवस्था में वह कुछ भी कर सकती थी। संकट की उस आखिरी रात तक उसे उसकी तीव्रता का अनुमान ही नहीं हुआ। वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच अनेक बार संकट की स्थिति आई थी। हर दूसरे घंटे दुनिया के हर विषय पर उनके मत एक दूसरे के विरुद्ध होते थे। हर सवाल पर संकट खड़ा होता था और कोई भी ऐसा न होता था जिसकी उपेक्षा की जा सके। विषय कुछ भी हो सकता था, रेडियो सिलोन सुने या ऑल इंडिया रेडियो, अंग्रेजी फिल्म देखी जाए या तमिल, चमेली की खुशबू बहुत तेज होती है या नहीं, गुलाब को बहुत अच्छा कहा जाए या नहीं, वगैरह वगैरह। किसी भी विषय पर बहस हो सकती थी और तनाव पैदा होता, जिससे दोनों के बीच कई दिन तक बातचीत बंद हो जाती और फिर समझौता होता तथा गाढ़ी दोस्ती हो जाती। दोस्ती के ऐसे ही दिनों में एक बार दोनों ने एक लंबा चौड़ा समझौता पत्र भी तैयार किया, जिसके अनेक अनुबंध थे और पूजा के कमरे में देवताओं के सामने जिस पर हस्ताक्षर किए गए और निश्चय किया गया कि इसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और अब उनकी लड़ाइयाँ हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। लेकिन बहुत जल्द इसका पहला वचन कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे 24 घंटे के बाद ही तोड़ दिया गया, और इसके बाद के सब अनुबंध जिनमें घरेलू मतभेद के सब मुद्दे जैसे रोज़मर्रा के खर्चे, खाना अच्छा बनाया नहीं, बजट की बहस, ससुराल की चर्चा जिसके सब पहलुओं पर विस्तार से निर्णय लिए गए थे, आदि आदि विषयों का कोई महत्व नहीं रहा। अब बरसात में भीगते हुए उसे खुशी हुई कि वह घिर गई है। कुछ दिन पहले जो अब लंबा अरसा महसूस होता था, उस रात जब उसने उसके बाहर जाने के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था, उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। दोनों में हमेशा की तरह खाने पर बहस हुई थी। उसने इस पर घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में उसने कहा था, तो फिर जाओ, और यह कहकर दरवाज़ा खोल दिया जाता था और रात में ही वह चली गई थी। इसके बाद उसने कई दिन तक दरवाजे की कन्नी नहीं लगाई और आशा करता रहा
कि शायद वह वापस लौट आए, लेकिन वह नहीं आई। अब उसने हिम्मत करके कहा, तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। और उसने जवाब दिया, तुम सोचते हो कि मैं जाकर डूब मरूंगी? वह बोला, डर तो लगा था। हाँ, तुमने अगल बगल के कुओं और तालाबों में तलाश की होगी या नदी में? उसने जोड़ा, नहीं की। अगर तुम यह करते तो मुझे ताज्जुब होता। वह बोला, लेकिन तुम तो डूबने तो गई नहीं, फिर कैसे सोचती हो कि मैं तुम्हें ढूंढता? यह सुनकर उसने ज़मीन पर पैर पटका और बोली, साफ है कि तुम्हारे दिल है ही नहीं, तुम एकदम तर्कहीन हो। वह बोला, हे भगवान, तुमने तो मेरा चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह तो मेरा दुर्भाग्य ही है कि इस वक्त अचानक बारिश होने लगी और मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं, बारिश अच्छी हुई जिसने हमें फिर से मिला दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने दिन तक तुम कहाँ और क्या करती रही? जवाब देना जरूरी है क्या? उसे उसकी आवाज़ में चिंता की एक लहर महसूस हुई जिससे वह खुश हुआ। क्या उसे वापस आने को तैयार किया जा सकता है? यह वाक्य पूरा बनकर उसका जुबान पर उतर आया, लेकिन उसने उसे रोक लिया और वापस कर दिया। सिर्फ यह पूछा, तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं हुई? तुम यह जानना नहीं चाहती कि इस महीने मैं क्या करता रहा? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ ऊपर से नीचे गिरता पानी देखती रही। हवा की दिशा अचानक बदल गई और पानी का एक फुहारा उसके चेहरे पर आ गिरा। दूसरे को बहाना मिल गया कि रुमाल निकालकर उसकी तरफ लपका। वह छिटक कर अलग होने लगी और चीखी, मेरी चिंता मत करो, बहुत भीग गई हो। पेट की एक डाल भी हिली और उसका पानी भी उस पर गिरा। वह उंगली से इशारा करके कहने लगा, बेकार भीग रही हो तुम, जरा इस तरफ खिसक जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जाता हूँ। उसे उम्मीद थी कि इस चिंता से वह प्रभावित होगी, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सड़क पर बहती पानी की धार को वह आँख मिचका कर देखने लगी। मैं तुम्हारे लिए दौड़कर छाता ले आता हूँ या टैक्सी? इस पर उसने आँखें तरेरी और चलने को हुई। दूसरे ने ऐसा ही कुछ और कहा, इस पर वह पूछने लगी, मैं तुम्हारा खिलौना हूँ क्या? मैंने खिलौने लायक तो कोई बात नहीं की। तुम सोचते हो कि जब चाहे मुझे उठा लो और जब चाहे फेंक दो? यह खिलौनों के साथ ही किया जाता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा। अब मैं ऐसा कुछ सुनने को तैयार नहीं। वह बोली, मैं शायद यह कहने ही के लिए मरा जा रहा हूँ कि मुझे अफसोस है। वह कहने लगा, हो सकता है, लेकिन यह किसी और से कहो। और कौन है यह कहने के लिए? उसने पूछा। यही तो तुम्हारी समस्या है ना? उसने पूछा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास दिल है या नहीं? उसने आजीजी से कहा, जब मैं कहता हूँ कि मुझे अफसोस है तब मेरा विश्वास करो। अब मैं बदल गया हूँ। मैं भी, वह बोली, अब मैं पुरानी वाली नहीं रही। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती और न निराश होती हूँ। यह नहीं बताओगी कि इतने दिन क्या किया? उसने आजीजी से कहा, फिर सिर हिला दिया। वह बोला, किसी ने बताया कि तुम हरिजन सेवा या कोई वैसा काम कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारी कितनी जानकारी रखता हूँ। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, सारा वक्त तुम यहाँ पर रहती हो या? जाहिर था कि वह उसका पति जानने की कोशिश कर रहा था। उसने बारिश पर एक नज़र डाली, फिर मायूस नज़र से उसे देखा। वह बोला, यह बारिश मैंने तो बुलाई नहीं है, हमें इसका एक साथ सामना करना है। यह जरूरी नहीं है, इस तरह मुझे कोई और नहीं रोक सकता। यह कहकर वह एकदम उठी और बारिश में ही भागने लगी। वह पीछे से चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, मैं वादा करता हूँ कि और कुछ नहीं कहूँगा, वापस आ जाओ और मत भीगो। लेकिन वह रुकी नहीं और पानी के पर्दे के पीछे गायब हो गई। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।